पंचकुला में जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों की एक अहम वर्कशॉप का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चलने वाली इस वर्कशॉप का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किया। घटते जल स्तर को लेकर 7 राज्यों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। हाँ, सारे देश के अंदर इस प्रकार की वर्कशॉप चल रही है और जैसा मैंने कहा है कि हमने सारे देश से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, सारे विभागों के, सारे देश के अंदर जो है वो हमने भेजे हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के, सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर कमीशन के, वो भी काम कर रहे हैं और हमने जो ये देखा है कि 1500 के लगभग ब्लॉक ऐसे हैं जो डार्क जोन में चले गए हैं, 56 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट 96 ऐसे हैं कि जो सेमी क्रिटिकल जहां पर ये पॉइंट्स हैं और कोई 4500 के लगभग ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर पानी आज भी बहुत बेहतरीन किस्म का है और उन सब के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है और आने वाले समय में बहुत जबरदस्त सफलता जो है इस जल शक्ति मंत्रालय को इस विषय में मिलने वाली। पानी की बर्बादी की वजह से जल स्तर गिरता जा रहा है जिससे आने वाले दिनों में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केंद्र सरकार भीषण जल संकट से बचने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। R9 TV के लिए पंचकुला से तारा सिंह की रिपोर्ट।